हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी वृश्चिक राशि है तो चलिए देख लेते हैं 15 से 28 के बीच में फरवरी मंथ में यानी फरवरी 2023 में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो, सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को स्कॉर्पियो मानते हैं यानी वृश्चिक राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है, और रीडिंग देखते वक्त आपको किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेना है, हेडेक नहीं लेना है। पॉजिटिव रहे, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए। और रीडिंग देखते वक्त अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं तो आप उन सब चीज़ों को छोड़ सकते हैं। फ्री माइंड होकर रीडिंग देखे। ओके, फाइव ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, एक मेजर अरकाना, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, तो फाइव की एनर्जी टू टाइम्स रिपीट हुआ है, एस ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स, ओके, जस्टिस। सो बॉटम द डेक देख लेते हैं। सो बॉटम द डेक में है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, अ टाइम ऑफ डीप रेस्ट। इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में जो भी हो रहा है या फिर जो भी होने वाला है, किसी भी चीज़ को लेकर आप इस टाइम पर सोचने नहीं वाले हो। आप इस टाइम पर सब कुछ भगवान के ऊपर सरेंडर करते हुए दिख रहे हो और खुद सुकून से नींद लेते हुए दिख रहे हो। आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर आप कोई भी एफर्ट नहीं लगाने वाले हो, किसी भी तरफ से किसी भी चीज़ को रोक टोक नहीं लगाने वाले हो, बस अपने प्यार के साथ रहते हुए दिख रहे हो। आपका प्यार जहाँ पर है, अगर आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो आप उनके साथ देते हुए दिख रहे हो। अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो आप खुद के साथ देते हुए दिख रहे हो। ओके, सो इसे हम साइड कर देते हैं क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक है। और यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, और लिब्रा की एनर्जी अलग से दिख रही हैं। और यहाँ पर एयर साइन जिमना, लिब्रा, एक्यूरियस हैं, और अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ओके, सो फर्स्ट जो कार्ड है आपका वो है फाइव ऑफ कप्स। सो मैं फर्स्ट बताना चाहती हूँ, ये जो फाइव की एनर्जी है वो टू टाइम्स रिपीट हुआ है। दिस नंबर इज रिप्रेजेंट अ प्लैनेट ऑफ मर्क्यूरी। अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी इस टाइम पर आप क्वाइट फन लविंग, चीयरफुल पर्सनालिटी के बनते हुए दिख रहे हो। सो यहाँ पर है फाइव ऑफ कप्स। सो यहाँ से मुझे दिख रही है लव लाइफ के साइड से आपके पास जो भी नहीं है आप उसके पीछे भागने वाले हो, उसको अपने लाइफ में एग्जिस्ट करवाने के लिए बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो आपके पास जो है उसको लेकर इस टाइम पर आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। आप बहुत ही ज़्यादा कोशिश करोगे कि जो आपके लव लाइफ में नहीं है, वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो मैन टू मैन डिफर करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो आपके लव लाइफ में जो भी नहीं है, जिस चीज़ का भी कमी आप महसूस करोगे, उस चीज़ को आप अपने लव लाइफ में एग्जिस्ट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हुए दिख रहे हो। और जो सेकंड कार्ड है वो है द हायरोफेंट। ओके, सो ये जो मेजर अरकाना है ये बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सीरी है ये आपको हेवन तक ले जाएगी। यानी इस टाइम पर कोई एक डिसीजन या फिर कोई एक एक्शन आपको लेना पड़ेगा जिससे आपकी लव लाइफ में बहुत सारा खुशियाँ आ सकती हैं। इस टाइम पर अगर आप शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे तो आपके पास एक बहुत अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। इस टाइम पर शादी तय भी हो सकती है, और जो शादी इस टाइम पर तय हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ ट्रेडिशनल वे में फुलफिल होती हुई दिख रही है मुझे। और इस टाइम पर एक बहुत अच्छा लव प्रपोजल भी आपके पास आ सकता है। सो इस टाइम पर डेफिनेटली आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा लव कनेक्शन स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है मुझे। और ये जो सेकेंड कार्ड
थर्ड कार्ड है सॉरी। सो ये कार्ड शो कर रही हैं कि आप किसी एक चीज़ के लिए शायद बहुत टाइम से वेट कर रहे थे लव लाइफ के साइड से, वो कुछ भी हो सकता है। आपने शायद भगवान से कुछ प्रे किया था, बहुत ज़्यादा शिद्दत से किया था, या फिर किसी चीज़ में रिसेंट पास्ट में एफर्ट लगाया था लव लाइफ के साइड से, या फिर अभी भी लगा रहे हो, किसी पर्सन के पीछे भाग रहे हो, किसी पर्सन को अपने लाइफ में एग्जिस्ट करवाना चाहते हो, मन ही मन उनको चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। सो इस टाइम पर मुझे दिख रहे हैं आप जिस भी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे या फिर अभी भी कर रहे हो, यहाँ से मुझे दिख रहे हैं आपका प्रतीक्षा का फल आपको मिलने वाला है, आपका वेट का फल आपको मिलने वाला है। ओके सो यहाँ पर आप देख सकते हो लॉक है एंड की भी है, तो आपको इन दोनों में जो डिस्टेंस है दिखाई दे रहा है तो वो है टाइम गैप। यानी आप जो भी चीज़ चाह रहे हो इस टाइम पर उसको पाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम और लगेगा। अगर आप रिसेंट पास्ट से वो चीज़ मांग रहे थे, यानी बहुत टाइम हो गया है आपकी लव लाइफ में वो चीज़ अभी भी एग्जिस्ट नहीं हुआ है, सो डेफिनेटली इस टाइम पर आपको वो चीज़ मिलने वाला है। ओके एस ऑफ वांड्स से यहाँ पर एस ऑफ वांड्स के थ्रू यहाँ से मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले हो लव लाइफ के साइड से। आपके अंदर एक आग दिखाई देगा आपको, किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए आप बहुत ज़्यादा उतावला रहोगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे, धैर्य नहीं होगा आपके अंदर। इस टाइम पर आप इस पैशन के साथ ही काम करते हुए दिख रहे हो और आपको सक्सेस भी मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। यानी कुछ सिचुएशन ऐसा इस टाइम पर क्रिएट होगा जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होगा, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करोगे लव लाइफ के साइड से। ओके सो आपको इस टाइम पर इस कार्ड के थ्रू विक्ट्री भी मिलता हुआ दिख रहा है किसी एक चीज़ में। और यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट ऑफ वांड्स है, सो दोनों कार्ड ही क्वाइटली सेम ही बताता है, क्योंकि यहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड महसूस करते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से। यानी इस टाइम पर आपको कोई न्यूज़ ऐसा मिल सकता है लव लाइफ के साइड से, वो आपके पेरेंट्स के थ्रू भी आ सकता है, आपके पर्सन के थ्रू आ सकता है, या फिर इस टाइम पर कोई एक ऐसा विश आपका पूरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा मिरेकल सा लगे, आप सरप्राइज्ड हो जाओ। ओके सो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सो डेफिनेटली इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हो और एक्साइटमेंट के साथ ही आप यहाँ पर काम करते हुए दिख रहे हो और आपके काम में आप सफल भी होते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से। और यहाँ पर है जस्टिस। अगर आपको ऐसा कभी भी लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हुआ है, जस्टिस नहीं मिला है आपको, आप कुछ चीज़ें डिजर्व करते थे पर अभी भी वो चीज़ें आपको नहीं मिला है, सो डेफिनेटली इस टाइम पर जस्टिस आने वाला है आपकी लव लाइफ में। आप जो भी चीज़ डिजर्व करते थे आपको वो चीज़ मिल जाएगा, आपके बहुत सारे प्रे का फल आपको इस टाइम पर देखने को मिलेगा, आपके बहुत सारे ड्रीम्स इस टाइम पर रियलिटी में बदल सकता है, क्योंकि इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आपको न्याय मिलती हुई दिख रही है। ओके सो और आपकी लव लाइफ में अगर बहुत टाइम से बैलेंस नहीं था तो डेफिनेटली इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में बैलेंस आती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। ओके सो चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, पॉजिटिव रहें। तो फर्स्ट मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी फाइव ऑफ कप्स को। फाइव ऑफ कप्स के लिए यहाँ पर है डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स। इस टाइम पर आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हुए दिख रहे हो, आपका बिहेवियर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगा, सो जिसकी वजह से ही आप जो चाहते हो लव लाइफ के साइड से वो आपके पास जल्दी आ जाएगा। ओके सो जो भी चीज़ें फाइव ऑफ कप्स के थ्रू आपको महसूस हो रहा है कि आपके लव लाइफ में नहीं है, वो चीज़ें बहुत जल्द आ जाएगा आपके लव लाइफ में। और द हायरोफेंट कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है द हैंग्ड मैन। ओके तो यहाँ से मुझे दिख रही है इस टाइम पर हायरोफेंट कार्ड के थ्रू कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट होने वाला है जहाँ पर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या चाहिए, आपके मन कुछ और चाहेगा, आपका दिमाग कुछ और चाहेगा, सो एक कन्फ्लिक्ट एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। और इसकी ही वजह से आप पूरी तरीके से खुद को और अपने लव लाइफ को डिवाइन के ऊपर सरेंडर करते हुए दिख रहे हो। और इस टाइम पर आपका नेचर थोड़ा सा मिरर लाइक हो जाएगा, यानी जो भी आपसे जैसा बिहेव करेगा, यानी आपके पर्सन आपसे जैसा बिहेव करेंगे आप भी उनको वही चीज़ रिटर्न करते हुए दिख रहे हो। और फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर है डॉटर ऑफ कप्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल तो होते हुए दिख रहे हो, पर उसका मेन वजह यहाँ पर मुझे दिख रही है
किसी भी वजह से हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे सराउंडिंग्स के पीपल्स की वजह से, हो सकता है कि आपने किसी का बात मान लिया था आपके पर्सन के अगेंस्ट में, आप कुछ कह दिया था आपके पर्सन को, या फिर कुछ भी यहाँ से मुझे दिख रहे हैं, आप अपने पर्सन के अलावा किसी एक पर्सन की बात मानकर कुछ डिसीजन लिया था जिसकी वजह से ही यहाँ पर आपको वेट करना पड़ रहा है किसी एक चीज़ के लिए. ओके, सो डेफिनेटली ये जो कार्ड है ये एक रोमांटिक नेचर को शो कर रहा है. सो ये जो टाइम है यानी फाइव ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू जो भी टाइम गैप यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं वो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा दिन तक या फिर ज़्यादा टाइम तक आपको वेट नहीं करना पड़ेगा. ओके, और एस ऑफ वांड्स के लिए यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स है. सो एस ऑफ वांड्स के थ्रू आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हुई दिख रही हैं मुझे, क्योंकि इस कार्ड को ही क्लैरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ कप्स. सो इसके वजह से आपके अंदर एक सडन चेंज आएगा जिसको आपके पर्सन थोड़ा सा नेगेटिव वे में ले सकते हैं या फिर आपको गलत समझ सकते हैं. तो इसके वजह से यहाँ से मुझे दिख रहे हैं आपको आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको थोड़ा सा इस टाइम पर कंट्रोल करना चाहिए. और नाइट ऑफ वांड्स को देख लेते हैं. नाइट ऑफ वांड्स के लिए यहाँ पर है ओके नाइन ऑफ पेंटिकल्स. इट इज़ अ मोस्ट वेलकम कार्ड एंड वेरी पॉजिटिव कार्ड. इस टाइम पर आपके लव लाइफ में आपका कर्मा इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है मुझे, यानी डिवाइन का इन्वॉल्वमेंट दिख रही है. इस टाइम पर बहुत कुछ अचानक से आप ठीक होता हुआ दिखोगे, एकदम से मिरेकल सा लगेगा आपको. सो डेफिनेटली इस टाइम पर आपका प्रे का फल आपको इस टाइम पर मिल जाएगा, आपका विश का फुलफिलमेंट होती हुई मुझे दिख रही है. अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत टाइम से भगवान से कुछ मांग रहे थे तो वो भी आपको यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है. आपकी लव लाइफ में खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, हीलिंग आता हुआ दिख रहा है. ओके, और इस टाइम पर आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा, आपका माइंड का हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा. और एक कार्ड है यहाँ पर और वो है जस्टिस. ओके, सो जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स. ये जो कार्ड है ये बेहद ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है. द होल वर्ल्ड सीम्स टू लाइट अप फॉर जस्ट वन सेकेंड. आपको ऐसा ही महसूस होगा, एकदम से एक सेकेंड में आपका दुनिया चेंज हो जाएगा. चारी ओर पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी दिखोगे, बहुत ज़्यादा लाइट आ जाएगा आपके, बहुत ज़्यादा लाइट महसूस करोगे लव लाइफ के साइड से, बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करोगे, आपके दिल से बहुत ज़्यादा बोझ उतर जाएगा, बहुत सारी खुशियाँ आ जाएगा आपके लव लाइफ में. ओके, जस्टिस के दौरान अगर किसी भी चीज़ में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था तो डेफिनेटली इस टाइम पर आपको क्लैरिटी भी मिलती हुई दिख रही है. सो चलिए देख लेते हैं मून आपको इस टाइम के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या करने से आपके लव लाइफ में हीलिंग आ सकती है. ओके, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए. ओके, सो यहाँ पर है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. नेगेटिविटी अपने मन में रखकर आप क्या करोगे, यहाँ पर जस्टिस आ गई है ऑलरेडी. सो आपका अच्छा टाइम यहाँ से ही शुरू होने वाला है. सो बी पॉजिटिव. ओके, आपको यहाँ पर मून बताना चाहते हैं इस टाइम पर आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाईली काम करेगा, आपके मन ही आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाला है इस टाइम पर. और अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर डर रहे थे तो आप इस टाइम पर बिना डरे वो काम कर दीजिए. डेफिनेटली पॉजिटिविटी सक्सेस आपको ही मिलेगा इस काम के थ्रू. और यहाँ पर आप देख सकते हो फुल मून इन स्कॉर्पियो, तो ये आपका ही कार्ड है. और अपकमिंग फुल मून आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. ओके, सो आपका रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है, मेजर आई है. और 15 से 28 आपका बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है. सो बाय.